हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू के के सोशल स्टडीज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू डीएवी क्लास फोर चैप्टर टू सेंसिटिविटी टू आर्ट्स दूसरों के प्रति संवेदना संवेदना मीन्स अनुभूति फीलिंग ओके मीना सावहर नाइन ईयर ओल्ड सन आनंद मेकिंग ए पेंटिंग शिवाज कुरियस टू नो Who was going to get this piece of art? Her son told her that it was for his classmate little sister. मीना जो है एक स्टोरी यहाँ दिया हुआ है वो नाइन ईयर्स ओल्ड अपने सन आनंद को देख रही है कि वह एक पेंटिंग बनाने में व्यस्त है और वह सोच रही है कि यह पेंटिंग किसको देने जा रहा है यह जो आर्ट पीस ऑफ आर्ट है ये किसे ये देने जा रहा है ठीक है तो वो कहता है अपनी माँ से कि मैं इसे अपने क्लासमेट की लिटिल सिस्टर को दूंगा हु वॉज ए स्पेशल चाइल्ड वह जो है स्पेशल चाइल्ड है स्पेशल चाइल्ड है ओके द इंटायर क्लास वॉज बीजी मेकिंग कार्ड पेपर चें कैप्स एंड मास्क फॉर हर फिफ्थ बर्थडे टू मेक हर हैप्पी उसे उसके जो पाँचवीं वर्षगांठ है जन्म 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 का जो है वर्षगांठ है उसे जन्मोत्सव है उसे स्पेशल बनाने के लिए पूरा क्लासमेट कुछ न कुछ बना रहा है कोई पेपर चेंस बना रहा है आप लोग बर्थडे में पेपर की लड़ी बनाते हो ना हाँ पेपर कार्ड्स कार्ड बना रहा है उसके लिए तो कोई जो है सो कैप बना रहा है और कोई जो है मास्क बना रहा है ओके उसके लिए और फॉर हर फिफ्थ बर्थडे द लिटिल गर्ल वॉज अनेबल टू वॉक स्पीक और हियर बट कन्वे हर हैपीनेस बाय स्लिंग और क्लैपिंग मैंने कहा था ना ये स्पेशल चाइल्ड है स्पेशल चाइल्ड यह जो है ना चल सकती है ना बोल सकती है ना सुन सकती है ओके और वह जो है अपनी खुशी जाहिर करती है बाय स्माइल स्माइलिंग वो जो है हंस करके खुशी जाहिर करती है और बाय क्लैपिंग और वो क्लैप भी करती है ताली बजा करके आनंद मीनास आई जैसे ही आनंद का ये आंसर पाया तो उसकी मां का आंख भर आया ठीक है सी कुड नॉट बिलीव दैट आनंद हु रिपूज टू शेयर टॉय विथ हिज ओन यंगर सिस्टर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आनंद जो अपनी सिस्टर के साथ अपने खिलौने को शेयर नहीं करता है, है। उषा वुड बी सो कंसर्न अबाउट द ब्रिंगिंग जॉय टू स्पेशल गर्ल मीना फेल्ट प्राउड फॉर हर सन लेकिन वह स्पेशल चाइल्ड के लिए इतना कुछ कर रहा है इससे मीना को प्राउड मीन्स थोड़ा गर्व महसूस होती है ओके नाउ चिल्ड्रेंड वी लीव इन अ सोसाइटी हम कहाँ रहते हैं हम सोसाइटी में रहते हैं ऑल ऑफ अस डिपेंड अपॉन मॉन एंड अदर फॉर डिफरेंट रीजन लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड मोस्ट दैट मोस्ट पीपुल आर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर हम क्या देखते हैं जब हम सोसाइटी सोसाइटी है क्या अ सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपुल सोसाइटी व्यवस्थित लोगों का एक समूह है सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी नियम कानूनों से चलती है ठीक है हर एक सोसाइटी का अपना एक तौर तरीका होता है और यह जो है हम सभी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट रीजन से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ठीक है जैसे एक ही व्यक्ति तो सारा काम नहीं कर सकता एक ही व्यक्ति जो है आ, अपने बॉडी का ख़ुद से इलाज नहीं कर सकता एक ही व्यक्ति अपने बच्चों को खुद से पढ़ा नहीं सकते एक ही बच्चे फार्मिंग एक ही व्यक्ति जो है फार्मिंग नहीं कर सकता खुद के लिए अपने अप खुद के लिए अपने भोजन अ, अनाज नहीं उपजा सकता तो हमें सब्जी नहीं उपजा सकता ठीक है तो हमें किसी न किसी से आ, किसी न किसी पर डिपेंड करना पड़ता है एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है हमें दूध के लिए मिल्कमैन पर इलाज के लिए डॉक्टर पर टीचिंग के लिए टीचर पर ठीक है फार्मिंग के ग्रेन्स के लिए फार्मर पर डिपेंड करना पड़ता है ठीक है तो हम सभी डिपेंड्स हो करते हैं और हम अपने अनुसार अपने चॉइस के अनुसार हम अपने लिए वर्क करते हैं ढूंढ लेते हैं वही प्रोफेशन अपनाते हैं जिसे हम पसंद करते हैं ओके, और दूसरे को उसी प्रोफेशन से लाभ पहुंचाते हैं सोसाइटी में ओके, जैसे एक टीचर हूं तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं ओके हाँ, हाँ. ओके बच्चों अब जो है क्या है एवरी वन इज रेडी टू होल्ड द हैंड ऑफ ए चाइल्ड एंड ओल्ड पर्सन वाइल क्रॉसिंग ए रोड ऑफ़र देम ए सीट इन ए बस और ए ट्रेन टू हेल्प देम टू कैरी हैवी बैग्स हम सभी जो है जो जो डिफरेंट लोग हैं जैसे बच्चों का बूढ़ों का हम लोग हाथ थामने के लिए तैयार रहते हैं ताकि उन्हें रोड क्रॉस करवा दिया जाए आ, और जो है सीट ऑफर करते हैं बस और ट्रेन में ठीक है चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो बच्चे हो, बूढ़े हो, उन्हें हम अपने सीट ऑफर करते हैं कि आप पहले बैठो मैं थोड़ा सा खड़ा जाऊंगा ठीक है उन्हें अपनी सीट भी ऑफर करते हैं ये गुड एटिकेट है अच्छी बात है ठीक है ओके चिल्ड्रेन ओके अच्छा अच्छा द चिल्ड्रेन डेवलप ए केयरिंग एटीट्यूड टुवार्ड द ऑदर बाई वॉचिंग देयर पेरेंट्स एंड ऑदर पीपुल अराउंड देम चिल्ड्रेन लर्न मैनी थिंग्स फ्राम देअर फ्रेंड ऑल्सो हम सभी क्या है बहुत सारी चीज़ें अपने जो है पेरेंट्स से सीखते हैं उन्हें देख करके और हम अपने दोस्तों से भी सीखते हैं लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ नीता सी लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली वेयर एवरी वन केयर्स फॉर द कम्फर्ट ऑफ ऑदर नीता जो है एक संयुक्त परिवार में बिग फैमिली में रहती है और वहाँ हर एक कोई जो है एक दूसरे का केयर करता है ठीक है सी प्लेस क्वाइटली वैन हर ग्रैंड फादर रेस्ट जब उसके ग्रैंड फादर रेस्ट करते हैं तो वो क्वाइटली जो है आ, सुनती है खेलती है ओके ताकि उसके फादर ग्रैंडफादर को दादाजी को उनकी रेस्ट में कोई दखल ना हो ओके ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रेन हैव आल्सो बिकम कंसस एंड डोंट मेक नॉइज वाइल नीताज ग्रैंडफादर इज प्लेइंग उनके जो पड़ोस के भी बच्चे हैं वह भी क्या करते हैं कि जो है सीरियस रहते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसके दादाजी का नींद न खुले ओके okay? और साइलेंटली चुपके से अच्छे से खेलते हैं ठीक है वसुधा इज ए सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर हर मदर वर्क इन एन ऑफिस एंड हर फादर इज ए बैंक ऑफिसर एवरी मॉर्निंग वसुधा बास एंड फीड हर ग्रैंड मदर शांति आनंद बिफोर गोइंग टू द ऑफिस इन द इवनिंग सी क्लींस एंड फीड हर अगेन हर पेरेंट फील प्राउड फॉर हर केयरिंग बिहेवियर टुअर्ड्स हर गरेंट मदर अब वसुंधा जो है एक फैशन डिजाइनर है ठीक है और उसकी माँ पापा दोनों ऑफिस में काम करते हैं लेकिन वसुंधा अपने ग्रैंड मदर को अपने ऑफिस जाने के पहले खाना खिलाती है फीड करती है उन्हें क्लीन करती है उन्हें कॉम्ब करती है कंघी करती है ठीक है फिर जब वो आ जाती है ऑफिस से तो फिर अपने साफ़ सफाई करती है अपनी दादी माँ का चूँकि वो बहुत बुढ़ी है ना, और फिर उन्हें खाना खिलाती है ठीक है तो ये जो केयरिंग नेचर है वसुंधा का वसुधा का इससे उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं ठीक है दे अप्रिशिएट हर हेल्प उसकी uh, मदद को उसकी जो केयरिंग नेचर है उसकी प्रशंसा करते हैं हाउभर दे हैड नेभर फेस वसुधा टू टेक केयर ऑफ़ हर ग्रैंड मदर्स सी हैड ऑब्जर्व हर पेरेंट एंड नेचुरली डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स हर ग्रैंड मदर वह क्या करती है कि जो है ग्रैंड मदर्स को ऐसा वसुंधा में क्वालिटी कैसे डेवलप हुआ क्योंकि बसुंधा अपने माता पिता को देखती थी कि वो अपने पिता की कैसे सेवा करते हैं तो उसने ये जो है चीज़ें अपने माता पिता से सीखी तो खुद भी अपने दादी का सेवा करने लगी हम्म, उसके माता पिता के जो माँ है उसके लिए तो दादी है ना? उसकी सेवा वो करने लगी क्यों हम सभी को भी करनी चाहिए हम्म छोटी छोटी चीज़ों का हमें अपने बुजुर्गों का खूब सेवा करनी चाहिए ओके फैमिली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग ए स्ट्रोंग बॉन्ड ऑफ लव केयर ऑल चिल्ड्रेन शेयर ए स्पेशल बॉन्ड विथ देयर ग्रैंड फादर पेरेंट्स दे ग्लैडली रन टू गेट एब्स्टेकल्स, मेडिसिन और एनीथिंग दैट देयर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर वांट्स ऑन द अदर हैंड बच्चे क्या करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट का केयर करते हैं और उन्हें जो है अगर उन्हें चश्मा की ज़रूरत है मेडिसिन की ज़रूरत है तो उन्हें तुरंत वो प्रोवाइड करते हैं ठीक है और उस दूसरी तरफ उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने चिल्ड्रन के लिए हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीद के फेवरेट फ्रूट ट्राई स्टोरी बुक ये सब बाज़ार से ला देते हैं मार्केट से ओके ताकि उस दो, एक दूसरे को दोनों ख्याल रखते स्टूडेंट लिविंग इन ए क्विक वर्ल्ड अंजलि वॉज बॉर्नडे कैन नॉट हियर दिकांट हीयर दॉइज द साउंड और पीपुल टॉकिंग अंजलि एक गर्ल्स है जो किसी की भी आवाज किसी भी तरह का साउंड आवाज नहीं सुन पाती है इसका मतलब वो जो है डेफ है बहरी है ठीक है वो कानों से सुन नहीं पाती ओके सी डज नॉट नो वाट इज वाट इट इज लाइक टू बी हियर बट सी नोज वाट इज लाइक टू बी डेफ्ट इट इज ए Quite everywhere. When she use her hearing aids, the vibration of the loud sound disturb her. She quickly turns off her hearing aid. जब वो कानों में लगाती है मशीन तो बहुत तेज़ जो साउंड आती है उससे उसे vibration से उसे प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत हटा लेती है तो ड्वार्फ पीपुल के लिए किन्वेंशन हुआ है बच्चों वो एक मशीन आती है हियरिंग ठीक है एड तो उसको जो है उसके माध्यम से वो सुन पाती है ठीक है आर द साइन लैंग्वेज इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गेस्चर और मीम यूज इन प्लेस ऑफ स्पीच बोलने के जगह पर जो इशारों से बात होती है उस माध्यम से हम ड्वार्फ चिल्ड्रेन को डेफ चिल्ड्रेन को सॉरी पढ़ा सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन को सुनने से जो बाधित हैं सुनने के योग्य नहीं हैं उन्हें हम पढ़ा सकते हैं ठीक है और यह जो है बहुत सारी बातें हम लोग जो है इशारों में बात करते हैं ना? जैसे हम लोग जब क्लासरूम में इंटर करते हैं सिट डाउन ऐसे की कम हेयर कीप क्वाइट ऐसे करते हैं कीप क्वाइट लाइक दैट ओके हम लोग बहुत सारे इशारों से बात करते हैं है ना तो वो इशारा समझती है सो द डायग्राम शो द हैंड मूवमेंट यूज इन फिंगर स्पेलिंग और साइन लैंग्वेज उसमें क्या होता है फिंगर यूज किया जाता है आ, और जो है डायग्राम सीज हम लोग समझाते हैं उनको ईच मूवमेंट सिंबलाइज अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट हर एक मूवमेंट सिंबलाइज करता है लेटर ऑफ अल्फाबेट जैसे आप संडे को डीडी नेशनल में एक जो है हीरिंग एम्पेयर पर्सन के लिए न्यूज़ आती है उसमें देखिएगा कहेगा मुलायम सिंह यादव तो मुलायम सिंह यादव को कैसे कोडिंग करता है वो लोग आपको मैं दिखाता हूं मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव ओके इस टाइप से वो लोग कोडिंग करते हैं ओके, okay? नेक्स्ट है किसी के भी नाम कोडिंग करते हैं और बहुत सारी जो भाषा है उसको फिंगर के माध्यम से ऐसे करके वैसे करके समझाते हैं ठीक है आप देखिएगा 15 मिनट का एक न्यूज आता है उसमें द डायग्राम शो द मूवमेंट ओके इन अर्लियर टाइम मोस्ट पीपुल बिलीव दैट हियरिंग इम्पेयर पीपुल वे आर इनकेपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज और ऑफ बींग एजुकेटेड इन एनी वे पुराने समय में ये समझा जाता था कि जो आ, बेहरे हैं उन्हें किसी भी तरीके से पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता बट पेड्रो डिपोन्स अ स्पेनिश मॉन्ग बिकम द फर्स्ट टीचर टू टीच सच स्टूडेंट पहले शिक्षक बने पेड्रोडी पोन्स इन्हें मेरा सेल्यूट ओके okay. टीच किए इस तरह के स्टूडेंट को इन hmm. 1620 जॉन बोनेट फर्स्ट बुक फॉर एडुकेटिंग जॉन पॉलो बोनेट एक दूसरे व्यक्ति स्पेनिश स्पेन का व्यक्ति को स्पेनिश कहते हैं ओके स्पेन एक यूरोप में कंट्री है बच्चों ठीक है वहां स्पेनिश भाषा बोली जाती है तो एक दूसरे जो है जॉन पॉलो बॉनेट वह जो है क्या किए इनके लिए एक बुक लिखे द बुक कंटेंट ए मैनुअल अल्फाबेट सिमिलर टू द वन यूज टूडे वहां भी बुक में सिमिलर अल्फाबेट यूज होती है जैसे आप देख लो यहां आपका दिया हुआ है ए ऐसे करके ऐसे ए बी लाइक दैट ओके सी ऐसे इस टाइप से वो जो है हाँ, भाषा को डिनोट करते हैं तो वो तो देख सकते हैं ना आप उंगली फिंगर से इशारा कीजिएगा तो वो सी समझ जाएंगे बी समझ जाएंगे ए समझ जाएंगे ओके इस टाइप का इसे आप अपने हाथों से कॉपी में नोटबुक में बना सकते हो नेक्स्ट हाँ। है living in a dark world, Andheri, Andhiro Andheri dunya. The visually impaired, blind people learn to use their sense of touch to feel and anticipate. They read books that are different from ours. The pages of the books are thick and have row of raised dots. These books are written in braille, फॉर एग्जाम्पल डॉट डॉट दी वी उनकी बुक होती है जो विजुअली इम्पायर्ड है जो देख नहीं सकते ओके okay. वो क्या करेंगे ऐसे आँख आप क्लोज कीजिए अगर डॉट डॉट है तो आप समझ सकते हो क्या है कभी कभी आप इन चीज़ों को क्वाइंस में भी यूज कर सकते हो क्वाइंस को छूने से पता चलता है कि टू रुपीस का है फाइव रुपीस का है वन रुपीस का है ओके या टेन रुपीस का है हम आँख बंद करके भी उसे छूर के बता सकते हैं तो ठीक उसी तरह से ये ब्राइल जो स्क्रिप्ट है उसमें जो है लोग टच करके पता करते हैं एक्चुअली क्या हुआ था एक ब्राइल लुइस ब्राइल नाम की एक गर्ल्स है ब्राइल वाज इन्वेटेड बाइल लुइस ब्राइल In an accident, he lost his eyesight. He had great interest in reading, which pursued him to find the way of reading and writing. Finally, he introduced a way to read and write by touching the raised dots on the paper. This script was named Braille in his honor. लेडीज़ थे जिसे एक्सीडेंट में ये अपने आँखों को गवा बैठी लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद था तो उन्होंने क्या किया एक, एक स्क्रिप्ट तैयार की वही रेस डॉट की स्क्रिप्ट इन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया हुआ है आविष्कार किया हुआ है इसलिए इन्हीं के नाम के कारण उस पूरी स्क्रिप्ट का नाम ब्राइल रख दिया गया है इनके सम्मान में ओके द हरिंग एम्पेयर्ड और द विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रेन डिजर्व आवर अंडरस्टैंडिंग नॉट पिटी जो बहरे लोग होते हैं या जो अंधे लोग होते हैं वह हमारी दया के पात्र नहीं है उन्हें हमें समझना चाहिए ठीक है दे डोंट हैव द एबिलिटी टू हियर विद एयर और आईज विद देर विद ईयरस और सी विद देर आइज उन्हें ठीक है उन्हें देखने की सुनने की योग्यता नहीं है बट दे कैन बी गाइड टू मूव अराउंड ऑन देयर ओन लाइक अदर्स पीपुल वह हमें जरूर कुछ ना कुछ गाइड कर सकते हैं निर्देश दे सकते हैं वह हमें सलाह दे सकते हैं दे कैन स्टडी एंड हार्ड एट डिफरेंट ऑक्यूपेशन प्रोफेशन दे कैन प्रूव टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी अगर उन्हें भी चांस मिले फ़ैसिलिटी मिले अपॉर्चुनिटी मिले और गाइडेंस मिले ठीक है दिशा निर्देश मिले तो वह भी सोसाइटी के यूजफुल मेंबर्स बन सकते हैं सो वी मस्ट गिव देम रिस्पेक्ट हम उन पर दया नहीं करेंगे हम उन्हें समझ हमें उन्हें समझना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए नेवर टू बी अप्रेड टू आस्क इफ दे नीड एनी हेल्प कभी डरना नहीं चाहिए पूछने से कि क्या आपको मेरी जरूरत है आप उन्हें पूछ सकते हैं may i help you okay so how to develop sensitivity towards other कैसे हम दूसरे के प्रति संवेदना डेवलप कर सकते हैं एट मेथड्स दी हुई है इसे आप समझ करके आप जैसे रेस्पेक्ट बिल्डर्स हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए डोंट मेक अनकाइंड रिमार्क अबाउट एनीवन फिजिकल अपीयरेंस कभी भी हमें किसी के फिजिकल अपरस के आधार पर कोई निगेटिव रिमार्क नहीं करना चाहिए मतलब गलत सोच नहीं रखनी चाहिए डोंट मेक निगेटिव रिमार्क अबाउट एनिवंस रिलीजन कास्ट लैंग्वेज कभी भी हमें किसी के रिलीजन धर्म के आधार पर अच्छे सभी धर्मों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं ठीक है तो हम ये कभी ना समझें कि कोई किसी धर्म से बिलोंग करता है तो वो बुरा है नहीं कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है जाति से बिलोंग करता है तो वो बुरा है कोई दूसरा लैंग्वेज बोल रहा है तो वो बुरा है ऐसा नहीं है ठीक है कभी हमें निगेटिव रिमार्क नहीं करना चाहिए टेक टॉक पोलाइटली टू यंगर चिल्ड्रन हम अपने से छोटे बच्चों के साथ नम्रता से बात करें ओल्डर पीपुल एंड एवरी वन एस्पेश द सर्वेंट हमें अपने नौकरों से भी नम्रता से बात करनी चाहिए है ना आप सभी करोगे ना नम्रता से बात प्यार से झुक करके नर्म्रता से ओके ट्राई टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट डैंड विनिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए पार्टिसिपेशन जो है भाग, भाग भागीदारीता जो है जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम जिसमें भी भाग लेंगे सभी जगह जीत ही जाएंगे कोई बात नहीं नहीं भी जीते कोई बात नहीं तो भागीदारी इम्पोर्टेंट सिंपैथी फॉर द पुअर्स एंड दोज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज हमें गरीबों पर दयालुता रखनी चाहिए और उन्हें मदद करनी चाहिए या किसी कोई डिजीज से सफ़र कर रहा हो तो शेयर द हाउस होल्ड चोर हमें घरों के काम को बांटना चाहिए अपनी मम्मी पापा को हाथ बटाना चाहिए भाई बहन को हाथ बटाना चाहिए लर्न अबाउट मेडिटेशन हमें ध्यान लगाने के बारे में सोचना चाहिए इट डेवलप्स एन एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस हमें जैसे है ध्यान लगाना चाहिए मेडिटेशन करना चाहिए ठीक है जैसे क्लोज करते हैं हम आईज को और दो मिनट तक ओ फिर एक लंबी सांस लेंगे फिर बोलेंगे आइज़ को क्लो कर क्लोज करके तन करके जो है बैठेंगे प्रॉपर वे में आ, और फिर बोलेंगे ओ लाइक दैट वी लर्न अबाउट मेडिटेशन लाइक दैट वी डू मेडिटेशन ओके इट हेल्प अस To handle stress, stress से हमें हैंडल करने में तनाव से हमें हैंडल करने में मदद करती है ओके okay? गुड citizens आर आफ्टर ऑल मेड एट होम अच्छे नागरिक तो घर में ही बनते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी